जय मसीह की लेंट डेज मेडिटेशन सीरीज एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे एक दूसरे को सेवा करो। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10:45, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल किया जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। यहां लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर होने के बावजूद हमारे लिए इस दुनिया में आया, वो सेवा पाने के लिए नहीं, हमें सेवा देने के लिए आया। इस दुनिया में आया ताकि बहुत सारे लोगों को पापों के बंधन से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। कई बार हम सोचते हैं हम एक दूसरे को सेवा करने के लिए मसीह में, कई साल मसीह में होने के बावजूद भी हम एक दूसरे को सेवा करने के लिए हमें बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, वचन कहती है कि प्रभु यीशु मसीह हमें सेवा लेने के लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें सेवा देने के लिए आए। तो प्रभु मसीहत में ये होता है, हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे को सेवा करना चाहिए। यदि हम किसी को, कमजोर व्यक्ति को देखते हैं, उनको मदद करना चाहिए। यदि हम किसी को हम गरीबी में देखते हैं तो हमें मदद करना चाहिए। यदि किसी को कोई जरूरत है या उत्साहित करने के, यदि कोई दुखी में है हमें उनको उत्साहित करना है। यदि कोई तकलीफ में है हमें उनके साथ रहने, वचन में लिखा गया है कि यदि कोई दुखी है उसको संतावना दो। यदि कोई परेशानी में है, जितना हम उनको मदद कर सकते हैं। यीशु मसीह ने देखा जब कभी लोग दुखी होते हैं या जब कभी लोग परेशानी में रहते हैं, यीशु मसीह क्या करते हैं, वहां जाके यीशु मसीह मदद करते हैं। वचन में लिखा गया है कि यीशु मसीह जितने भी लोगों यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह उनको मदद किया। तो हम एक चीज उनमें से सीख सकते हैं इस लेंट के समय में, हम परमेश्वर का कैसे नजदीक आने के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। एक चीज हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर को सेवा करना क्या है, एक दूसरे को सेवा करना है। क्योंकि हम मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इन छोटे में से आप किसी को सेवा करते हो, इन छोटे में से किसी को आप मदद करते हो, तो वो सेवा मेरे लिए आप करते हो। मैं विश्वास करता हूं आज के एपिसोड से आप आशीषित हुए हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।